Hello guys, good morning. This is Mahek Raj and today I am going to get discuss about the unit system. Okay, so unit system splits into three types. इसको जो है थ्री पार्ट में ब्रेक कर दिया गया. फर्स्ट वन इज MKS, सेकेंड वन इज CGS एंड थर्ड वन इज FPS. इनका मीनिंग क्या है? इसका है मीटर किलोग्राम सेकेंड. इसका है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और इसका है फीट पाउंड सेकेंड. ये जो यूनिट सिस्टम है इसको थ्री पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड सेकेंड वन इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम, एंड थर्ड वन इज FPS फीट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम. ओके, दिस MKS सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट. इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे SI सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम. जनरली हमने देखा होगा कि कोई भी वैल्यू की जब हम यूनिट लेते हैं, जैसे फोर्स की है, वर्क की है, तो उनका SI यूनिट उनके साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग भी कर देते हैं. जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन कर दिया गया और बोल देते हैं इट्स SI यूनिट इज न्यूटन. सो ये इसलिए किया जाता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करता है तो उसके मान सम्मान के लिए उसका नेम भी उसी इंटरनेशनल सिस्टम के, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी डिस्कवरी किया है, इसलिए उसकी नेमिंग के रिस्पेक्ट के लिए उस SI यूनिट को उसी के इक्विवेलेंट माना जाता है. जैसे फोर्स का MKS यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट इसी को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड दिस इज फीट पाउंड एंड सेकेंड FPS. सो देखते हैं अब इसमें रिलेशन कैसे होता है. जैसे 1 मीटर इक्वल टू, अभी हम लेंथ के रिलेशन देख रहे हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100, सेंटीमीटर इक्वल टू 3.28 फीट. फीट क्या है? जनरली हम जैसे किसी लैंड प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए फीट यूज करते हैं और बोलचाल की लैंग्वेज से फुट बोलते हैं, बट होता है वो फीट. ओके, सो ये रिलेशन है मीटर और सेंटीमीटर को तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट ये फीट में होता है 3.28 फीट. ओके, तो ये तो हुआ लेंथ मेजरमेंट. अब आते हैं मास के लिए, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम इक्वल टू 2.2 पाउंड, और इसको लिखते हैं शॉर्टकट में LBS. ओके, अब ये पाउंड तो यहाँ पर वेट का मेजरमेंट किया नहीं जाता, हमारे यहाँ तो मीट्रिक सिस्टम है और यहाँ पर किलोग्राम ग्राम ये चीज़ें यूज होती हैं. ओके, सो किलोग्राम इज अ वेट मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द मीट्रिक प्रोसेस, बट पाउंड इज अ इम्पीरियल प्रोसेस विच बिलोंग्स टू द कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड लाइक वंस. इस टाइप के जो कंट्री है वहाँ पर वेट का मेजरमेंट पाउंड में किया जाता है. अब पाउंड की जगह LBS लिखा रहता है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि पाउंड अराइजेज बाई
लैटिन वर्ड लिब्रा, ये पाउंड जो है लैटिन वर्ड लिब्रा से एराइज हुआ है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में LBS यूज करते हैं। इसका मीनिंग ही होता है मीजरमेंट ऑफ द वेट, वेट के मीजरमेंट के लिए इस लिब्राज का मीनिंग है। ओके, सो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने सुना होगा रेसलिंग वगैरह जो है ये अमेरिका वगैरह का फेवरेट गेम है, तो वहाँ पर जो रेसलर होते हैं उनके वेट, जैसे खली द ग्रेट का वेट आपने सुना होगा तो वो पाउंड में सुना होगा वहाँ के अकॉर्डिंग, जब भी कभी बुक या मैगजीन में पढ़ा होगा तो वो क्या होता है और वो LBS में लिखा रहता है। जैसे वेट ऑफ द खली द ग्रेट इज 450 LBS, व्हाट इज LBS? सो दिस इंडिकेटेड द वेट मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू पाउंड, एंड दिस पाउंड एराइजेस बाय द लैटिन वर्ड लिब्राज विच डिनोटेड इन द शॉर्ट फॉर्म LBS। ओके, सो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 2.2 LBS। तो ये हो गया था लेंथ मेजरमेंट का सबका रिलेशन, ये हो गया वेट मेजरमेंट का सबका रिलेशन, और सेकेंड 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 सब में इक्वल ही है। तो तीनों तरह के जो सिस्टम था, यूनिट सिस्टम MKS, CGS और FPS, इन सब में आपको रिलेशन कंप्लीटली पता हो गया। ओके, थैंक यू।